इस क्वेश्चन में साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम है कार्बन सॉलिड प्लस CO2 गैस गिव्स टू CO गैस और साइड बाय साइड साथ में CaCO3 सॉलिड गिव्स CaO सॉलिड प्लस CO2 गैसियस। तो जो साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम स्पीशी है उसको एक जैसी ज्योमेट्री में अपन ने पुट कर लिया ताकि इसका डेटा ये बता रहा है कि सेम है, वही डेटा, वही प्रेशर, वही कंसंट्रेशन, इसका भी मेंबर है उसी वेसल में, इसका भी मेंबर है। तो Kp1 जो इसमें हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है PCO स्क्वेयर ओवर PCO2 और ये वैल्यू है 1 atm। अब आइए Kp2 पे, तो वो तो केवल PCO2 है ना, सॉलिड तो Kp के एक्सप्रेशन में नहीं आएगा। तो इसके अंदर जो है यहां से हमें PCO2 फाइंड हो गया, PCO2 को हमने यहां से जो है वो इसका वैल्यू पार्शियल प्रेशर को ऑब्टेन कर लिया, वो है 4 × 10⁻²। अब इस वैल्यू को यहां प्लग इन करिए और यहां से PCO फाइंड कर लीजिए। तो PCO मेरा क्या आ गया, 2 × 10⁻¹ atm, यानी 0.2 atm। दिस इज द आंसर।